हमारे हिसाब तो ये है कि आई थिंक सक्सेसफुल होगा वो, जिस हिसाब से रिसर्च हो रही है वहाँ पे, उस हिसाब से कि हाँ मुझे लग सक्सेसफुल तो होगा ही होगा। आई विश सक्सेसफुल हो जाए। प्राउड मूवमेंट तो है ये इंडिया के लिए। चंद्रयान 3 चांद के जो अपना साउथ पोल है वहाँ पे लैंडिंग करने वाला है, तो ये हम सभी भारत देश के लिए बहुत गौरव की बात है। और मे बी अगर हम छात्राओं को अगर इसरो ज्वाइन करने का मौका मिलता है या फिर चांद पर जाने का मौका मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। जैसे कि वहाँ पे जैसे काफ़ी सारी रिसर्च है, हमारे साइंटिस्ट को काफ़ी सारी रिसर्च फील्ड में मतलब प्रॉफिट होगा, और काफ़ी सारी रिसर्चेस जो अभी रह गई है, जो सबूत बचे रह गए हैं, उससे भी पता लगा सकते हैं हम। जी, ये हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री इतना अच्छा कर रहे हैं। चंद्रयान 3 आज हमारा भारत हमारा पहला देश मतलब चौथा देश होगा जो चांद पे कदम रखेगा, जहाँ पर -230 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हमारा चंद्रयान लॉन्च होगा। ये हमारे देश के लिए काफ़ी गौरव की बात है और युवाओं के लिए भी काफ़ी प्रोत्साहन देने वाला ये कदम है, तो हम सब काफ़ी खुश हैं इस चीज़ को लेकर। हाँ, मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ मतलब ये युवाओं को काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं भी चाहूँगी मुझे मौका मिले कि मैं स्पेस क्राफ्ट को ऐसे ज्वाइन करूँ, इस स्पेस मिशन को काश मैं ज्वाइन कर पाती, तो ये मेरे लिए काफ़ी इंस्पायरिंग चीज़ है ये।